हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर का आज लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है, सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। आज हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और आपको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल वाली आपको बिल्कुल फीलिंग आने वाली है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। सारी की सारी वीडियो यहीं पे अपलोड होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी सीख सकें सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को। आज लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। बिल्कुल किसी भी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। आज हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लेंगे कि सी लैंग्वेज होती क्या है। ठीक, तो चलिए हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है अरमान। ठीक, तो डेली मिलेंगे इसी चैनल पे। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जी, व्हाट विल वी लर्न टुडे? आज हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं आपको बता दें। पांच चार टॉपिक है जो हम सीखेंगे, और पांचवा टॉपिक होगा जो आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो पहला है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? जी, हर जो हम अभी सीखेंगे कोडिंग, हर चीज़ में प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग जो वर्ड है, वो प्रोग्रामिंग क्या है वो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाना है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग भी बताना ज़रूरी है, आपका बेस क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, सी सेकंड टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन सी टू सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन भी लेना ज़रूरी है कि वो चीज़ की होती क्या है। और व्हाइल एंड सी, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो क्यों सीख रहे हैं उसका मकसद भी हमें पता होना चाहिए, कि हम बेफजूल के तो वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं। जी, तो व्हाइल एंड सी हमारा थर्ड टॉपिक होने जा रहा है। एंड देन फोर्थ हमारा होगा सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज का फिर उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे सबसे लास्ट में। सिंटैक्स देखने के बाद हमारी फिफ्थ नंबर पे होगी क्विज, जो क्विज में वो क्वेश्चन होगा जो आपने पूरे के पूरे टॉपिक कवर किए होंगे। ठीक, तो बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर दिमाग से देखिए, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये छोटी से छोटी चीज़ है, ये व्हाट इज प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू सी, ये सब छोटी से छोटी चीज़ है जो आपको अगर नहीं आपने देख पाए तो आपका इसमें थोड़ा बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, आपको आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम व्हाट इज प्रोग्रामिंग के टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग हमारा ये आ चुका है आप लोगों के सामने। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड एकम्प्लिश अ टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है रिटन बाय प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड एकम्प्लिश अ टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्रामर द्वारा राइट किया जाता है कंप्यूटर को डिलीवर करने के लिए, कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर सके इसके लिए। ठीक, प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा। किस लिए? कि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक, चलिए आप लोगों को इसका एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे प्रोग्रामिंग का। बिल्कुल आप लोगों के डेली लाइफ से आपको बिल्कुल इजी आपको समझ में आएगा। जी, तो हम आज आ गए हैं सी से टी पर। हमने सी सीखी, अब हम सी सीख रहे हैं तो उसमें हम टी भी सीखेंगे। जी, मेक थी फर्स्ट टाइम पे हम
हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपना हम स्टार्ट करते हैं कोई टास्क को, ठीक। और फिर हम जैसे हमने पतीला लिया है, उसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया, उस वाटर को बॉयल करने के लिए हमने उसमें डाल दिया, ठीक। उसमें हम उस वाटर में हम शुगर भी ऐड करेंगे और पाउडर, टी पाउडर भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इन सब को, जो हमारी चारों को चारों चीज़ हैं, इन तीनों को तीनों इन लो इन तीनों को बॉयल होने देंगे हम। इसको बॉयल होने के बाद हम इसमें हम मिल्क को ऐड करेंगे, और मिल्क के ऐड करने के बाद फिर हम इसको बॉयल करते हैं। जब अच्छे से बॉयल हो जाती है, मीन्स कड़क हो जाती है हमारी चाय, तो हम चाय को सर्व कर देते हैं, मीन्स इंजॉय करते हैं अपनी टी को। हमने इसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, जिसमें पहले हमने पानी मिलाया, फिर हमने शुगर को ऐड किया, फिर हमने टी पाउडर को ऐड किया, फिर हमने मिल्क को ऐड किया, फिर हमने इसको बॉयल किया। और जब इसमें अच्छी कड़कपन आ गया, तो हमने इसको सर्व कर दी। इसी प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं हम, उसमें कुछ कुछ स्टेप बाय स्टेप हम उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे हम कोई अपने कोई पहले तो हम हेडर फाइल, आपको भी आगे जाके बताएंगे कि हेडर फाइल क्या होती है, फिर उसमें कोई फंक्शन को ऐड करते हैं, फिर उसमें अपना कोड लिखते हैं, अपने जो प्रिंट कराना हो या स्कैन कराना हो उसके लिए, और फिर उसके बाद अपना अपने फंक्शन को क्लोज करते हैं, इससे हमारा प्रोग्राम को, उसके बाद प्रोग्राम क्लोज होता है। इसी प्रकार से हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रोग्रामिंग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी सीख ली कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसके बाद हम आ गए इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। मेन रीजन फॉर दिस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ठीक। तो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिसी एट द बेल लेबोरेटरीज इन 1972। इसको डेनिस रिसी ने बनाया है बेल लेबोरेटरीज में 1972 में, ठीक है। कब बनाया गया, 1972 में डेनिस रिसी ने बनाया है। एंड इट इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलरिटी इज बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। बहुत पुरानी लैंग्वेज है, आप लोगों ने इसका नाम भी पहले से सुना होगा, ठीक। और इसका मेन रीजन भी है कि पॉपुलर क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, कि सारी लैंग्वेजेस का बेस है। आपको इसको, आपने इसको सीखा तो आपको आगे जाके जो भी लैंग्वेज सीखेंगे उसमें कोई ना प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं दिक्कत नहीं होगी। ये लैंग्वेज आपको, इसलिए हर कोई अगर आपको सिखाता है तो पहले ये लैंग्वेज सिखाता है। इसका भी यही वजह है कि ये फंडामेंटल लैंग्वेज है। आपके सामने ये रीजन लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल लैंग्वेज है फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। सी इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद यूनिक्स। इट वॉज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम राइट कर सकें, इसीलिए सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में हमारा लिखा भी है। आप लोग देख लीजिए जाके, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में लाइट किया गया है। तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था सी लैंग्वेज को। तो एक ही आपको एक पॉइंट, ये तीनों जो पॉइंट आपको जो मिले हैं, ये तीनों पॉइंट को थोड़ा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एंड बेसिक है ये आपकी लैंग्वेजेस का, ये हर चीज़ का बेस है। पॉपुलर क्यों है आपके पास, ये सेकेंड पॉइंट है, किसने बनाई पहला पॉइंट है, एंड ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस ऑपरेटिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। ये सब आपको समझ में आएगा, और ये तीन जो पॉइंट है आप कृपया इसको लर्न कर लीजिए।
ठीक है। तो अब हम जानते हैं व्हाई एंड सी, हम सी को क्यों सीखें, क्या जरूरत है। ठीक, तो ये जो चीज है हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम कोई चीज सीखेंगे तो उसका भी कोई वजह हो गया, रीजन होगा कि उस चीज को हम क्यों सीखें। तो इसके लिए हम आपको ये जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसको आपको रीड करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्यों सीखना चाहिए, इसका रीजन क्या है। ठीक, ये यहाँ पे जो लिखा है यही जो सब है यही रीजन है कि हम इसको क्यों सीखते हैं और इसके सीखने से आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक, ये आपको तो पता ही है कि ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने हर जगह सुना होगा सी लैंग्वेज का नाम। ठीक, तो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस लैंग्वेज भी है ये, और अगर आपको सी जानते भी हैं तो अगर आपने सी सीख ली तो आप आगे जाके जो भी लैंग्वेज सीखेंगे, जावा हो जाएगी, पाइथन हो जाएगी, सी प्लस सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस, तो उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है ना वो बाकी लैंग्वेजेस से बहुत सिमिलर टाइप का है, बहुत ही मिलता जुलता कह दें सिमिलर टाइप का सी लैंग्वेज का। इसीलिए हम पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं कि हम जो सिंटेक्स है हमारा, ये बेसिक लैंग्वेज भी है जिससे हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बाकी जो आगे जाके लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें आगे जाके उसमें कोई ना तो प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प एटसेट्रा, एज दिस सिंटैक्स इज सिमिलर। ठीक, इसका सिंटैक्स बाकी लैंग्वेज से सिमिलर टाइप का होता है। और सी इज वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन। सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज है। ठीक, ये अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। एंड थर्ड पॉइंट है, सी इज वेरी वर्सेटाइल, इट कैन बी यूज इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। ये दोनों जगह यूज होती है, एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों जगह। ठीक, तो ये तीन मैंने आपको पॉइंट, चार पॉइंट बताए हैं ये सी लैंग्वेज के सीखने का रीजन है कि एक तो पॉपुलर लैंग्वेज है और ये इसका सिंटेक्स होता है बाकी लैंग्वेज से सिमिलर होता है जिससे हमें आगे जाके कोई लैंग्वेज सीखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सी इज वेरी फास्ट का वेरी फास्ट ये अदर लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो ये वेरी वेरी फास्ट लैंग्वेज है, और इसको एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज के फील्ड में दोनों जगह इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये याद कर लीजिए। जी, हम आ चुके हैं सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम देखने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का सिंटेक्स। इसमें हम लोगों को कुछ कोड लिखा हुआ दिख रहा है, हैज इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच इंच मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन फ्रंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये सब आपको सब एक एक चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने कहा है तो बेसिक से बताएंगे। तो इसमें हैज इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, पहली ये जो लाइन लिखी है इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। हैज इंक्लूड का वर्क होता है किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना, या इंक्लूड हेडर फाइल। हैज इंक्लूड का वर्क होता है हैज इंक्लूड इंक्लूड हेडर फाइल। ठीक, एंड देन एसटीडीओ डॉट एच, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है जिसको हैज इंक्लूड इंक्लूड किए हुए है। ठीक है, यहाँ पे और जितनी हम चाहें हेडर फाइल लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का वर्क होता है किसी वैल्यू को इनपुट और आउटपुट कराना। ठीक, उसका इनपुट लेना और आउटपुट देना, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का काम होता है। और ये हमारा एक फंक्शन है इंट मैन। इंट मैन क्या है? फंक्शन, जहाँ पे इंट एक रिटर्न टाइप है मेन फंक्शन का, रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन। एंड
मेन फंक्शन हमारा कोई भी कोड होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। वो कई फंक्शन बने होंगे, सब बने होंगे, लेकिन वो आएगा मेन फंक्शन पे पहले, और मेन फंक्शन से लाइन बाय लाइन वो अपने प्रोसेस करता जाएगा और कोड को रीड करेगा, और जो आउटपुट देना होगा आउटपुट देगा, कैलकुलेशन करना होगा कैलकुलेशन करेगा, लेकिन मेन फंक्शन से जा मेन फंक्शन पे पहले जाएगा वो। मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो कोड रन नहीं होगा। इट्स मीन्स मेन फंक्शन इज मैंडेटरी फॉर एनी प्रोग्राम। मेन फंक्शन इज मैंडेटरी फॉर एनी प्रोग्राम। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। इस प्रिंट एफ का जो सिंटेक्स होता है, प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोट लगाते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हेलो स्पेस वर्ल्ड, और तो ये इसमें हेलो स्पेस वर्ल्ड प्रिंट होगी, ठीक, और ये एक्सक्लामेटरी साइन भी प्रिंट होगा। तो इसमें जो डबल कोट के अंदर है एज इट इज वो प्रिंट होगा, इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। और बस प्रिंट एफ पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हमें हेलो वर्ल्ड जो भी आपको प्रिंट करना हो, अपना नाम करना हो, कुछ भी आपको राइट कर उससे आउटपुट लेना है, आप कुछ भी लिख दीजिए, लिख के दे देगा। और बस, और से इधर सेमी कॉलन इसलिए लगा है कि सेमी कॉलन काम करता है किसी भी स्टेटमेंट को एंड दिखाने के लिए कि इस स्टेटमेंट का एंड हो चुका है, ठीक। और जब ये इंट इंट है तो एक इंटी जब फंक्शन ये इंट है, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न टाइप का रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे इंट नहीं लगा होता, वॉइड लगा होता, तो वॉइड माने नल होता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता। अब यहाँ पे जब इंट लगा है मीन्स इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, 0, -1, 1, 2, 3 ऐसी जो वैल्यू होती हैं, माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं, जीरो भी होता है, तो ये सब इंटीजर वैल्यू होती हैं, तो ये रिटर्न कर सकता है इंटीजर वैल्यू। तो इसने रिटर्न किया है यहाँ पे, जब हमने हमारा फंक्शन का वर्क कंप्लीट हो चुका है तो लास्ट लाइन में हम लिख देते हैं रिटर्न। ये रिटर्न कीवर्ड हम लगाते हैं कि हमें कोई भी किसी भी वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो रिटर्न लगाते हैं, ठीक, रिटर्न लिखते हैं, और किस क्या रिटर्न करना है वो लिख देते हैं। हमें यहाँ पे 0 रिटर्न करना है तो हमें 0 लिख दिया, एंड देन सेमी कोलन मीन्स स्टेटमेंट का क्लोज है, ठीक। तो यहाँ पे ये रिटर्न 0, ये स्टेटमेंट क्लोज हुआ, एंड देन इसे मिला कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे फंक्शन क्लोज हुआ, मीन्स प्रोग्राम का हमारा वर्क खत्म हो गया, जो आउटपुट देना था उसने दे दिया। ध्यान रखना है कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, ठीक, बिना मेन फंक्शन से प्रोग्राम नहीं चलने वाला। तो मेन फंक्शन इज कंपल्सरी फॉर एनी प्रोग्राम और मैंडेटरी, ठीक। तो आपको ये सब हम रन करके दिखाएंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाना है, इस थ्योरी है ये, तो आपको सिंटेक्स आपको दिखाया है आपके नज़रिए के लिए, बाकी आपको पूरा का पूरा मैं कोड रन करके कंपाइलर से सब आपको दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा एक एक कोड, ठीक, और जो भी दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पर, आप लोगों के सामने वीएस कोड ओपन है, इसमें हमने सेम कोड लिखा हुआ है जो हमने सिंटेक्स में लिखा था। तो बिल्कुल आपको सिंटेक्स तो क्लियर कर दिया था कि सिंटेक्स में क्या क्या होता है और कैसे कोड हमारा रन होता है, मैंने सब बता दिया था। एक बार हम प्रिंट एफ फंक्शन का भी आपको और वर्क बता देते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन का वर्क होता है किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना, और डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है एज इट इज़ वो सेम प्रिंट होती है। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी, चाहे कोई वर्ड हो, नंबर हो, कुछ भी हो, एज इट इज़ प्रिंट होता है, ठीक। तो इसमें डबल कोट के अंदर ही अगर आपकी लिखी होगी, नहीं तो आपका वो प्रिंट नहीं होगा, अगर डबल कोट के बाहर लिखा होगा तो एरर भी आ सकती है। वो हम डबल कोट के बाहर अभी आगे जाके सीखेंगे कि डबल कोट के बाहर क्या लिखेंगे, ठीक, लेकिन अभी डबल कोट के अंदर ही हमारी जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। देखिए, जैसे मैंने आपको अपने सिंटेक्स में बताया था कि इसका डबल कोट के अंदर जैसे जो लिखी है एज इट इज़ प्रिंट होगी तो उसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड,
तो देखिए हम इसको रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट क्या आ गया। तो देखिए ये आ चुका है हमारा आउटपुट हेलो स्पेस वर्ल्ड। इसके साथ देखिए इसमें स्पेस भी प्रिंट हुई है, ये स्पेस जो इसमें खाली मैंने दी थी, देखिए बीच में जो स्पेस दिख रही है तो ये स्पेस भी प्रिंट हुई है। और विदाउट स्पेस का अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए विदाउट स्पेस का भी प्रिंट होगा। देखिए विदाउट स्पेस का भी प्रिंट हो गया है, हेलो विदाउट स्पेस वर्ल्ड। मीन्स जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं एज इट इज प्रिंट हो रहा है, चाहे हम लिख दें देखिए अब देखिए मैंने लिख दिया आई एम अरमान। अब देखिए इसमें आउटपुट आ जाएगा आई एम अरमान, देखिए आउटपुट आई एम अरमान लिख कर आ गया आउटपुट। और जैसे हम चाहते हैं कि इसको देखिए एक ऊपर एक प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसमें हमने क्या लिखा है हेलो वर्ल्ड आई एम अरमान, इसमें स्पेस भी देंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे देखिए। अब आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, गेस कीजिए, क्योंकि हमने इसमें दो प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं। अब आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा तो हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए आउटपुट तो एक लाइन में आया, आप लोगों ने सोचा होगा कि दो लाइन में आएगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइन में ये प्रिंट एफ फंक्शन का यूज हो रहा है। नहीं, इसमें हम कमांड जब तक नहीं देंगे जब तक लाइन चेंज नहीं करता है वो, चाहे आप कितने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर लें। देखिए इसमें हमने लिखा हेलो वर्ल्ड देन स्पेस, देखिए लास्ट में स्पेस भी लगाई तो इसमें स्पेस भी इधर आई के पहले देखिए स्पेस भी प्रिंट होकर आई। जहाँ पे इधर स्पेस का इधर प्रिंट एफ फंक्शन में ख़त्म हुआ तो यहाँ पे स्पेस के बाद ही उसने आई एम अरमान को प्रिंट करना शुरू किया है। जी नहीं कि उसने स्पेस के बाद न्यू लाइन पे आ गया, वो नहीं, स्पेस के बाद ही उसने आई एम अरमान पे आया है। तो मींस हम जितने चाहे प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर लें जब तक हम उसे न्यू लाइन के लिए कमांड नहीं देते हैं तब तक वो लाइन चेंज नहीं करता है, ठीक। और अगर आपको न्यू लाइन पर जाना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपको यूज करते हैं बैक स्लैश एन, एक जो कीवर्ड है बैक स्लैश एन जिसका मीन्स होता है न्यू लाइन। इसको यूज करने से हमारा जो बैक स्लैश के एन बैक स्लैश एन के बाद जो भी आउटपुट होगा वो न्यू लाइन में आएगा। मीन्स देखिए हमने हेलो स्पेस वर्ल्ड ये इतना लिखा है, इसके बाद बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, न्यू लाइन पे आने के बाद वो आएगा आई एम अरमान पे, लेकिन न्यू लाइन में आएगा वो आई एम अरमान, फिर वो एज इट इज वही सेम लाइन पे प्रिंट करेगा। देखिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड आई एम अरमान, देखिए लिख के आ गया तो बिल्कुल नीचे आया है, ये न्यू लाइन पे आ गया। और अगर आप लोग को जैसे आप लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन जैसे दी है, अगर हम यहाँ पे दे दें बैक स्लैश एन, अब बताइए देखिए आउटपुट सेम आया है क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन का जो वर्क है लाइन बाय लाइन पढ़ता है वो। देखिए हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद इसका इधर वर्क खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन पे आया, नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन में मिला बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, तो हेलो वर्ल्ड के बाद से उसने उसे ऑर्डर मिला न्यू लाइन का, तो उसने न्यू लाइन पे आया वो, फिर आई एम अरमान, उसने न्यू लाइन में आई एम अरमान को प्रिंट कर दिया। मीन्स वो लाइन बाय लाइन एंड वर्ड के जो लास्ट कैरेक्टर होता है ना वर्ड का, उसके बाद से वो ही प्रिंट करना स्टार्ट करता है। अगर आपने लास्ट वर्ड लास्ट कैरेक्टर के बाद आप न्यू लाइन की कमांड दी तो लास्ट कैरेक्टर के बाद ही न्यू लाइन पे जाएगा वो, ठीक।
तो यहाँ पे वर्ल्ड के डी के बाद अगर आप लाइन चेंज नहीं करते तो डायरेक्ट डी के बाद आई ऐड हो जाता है। देखिए विदाउट स्पेस के वो भी ऐड होगा। देखिए डी के बाद कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर आई के पहले कोई स्पेस नहीं है। देखिए लिख कर आ गया हेलो वर्ल्ड आई, देखिए बिल्कुल डी के साथ में लिख कर आया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं दी है। अगर हम यहाँ पे पहले स्पेस देते हैं तो हेलो वर्ल्ड में, देखिए डी में तो कोई स्पेस नहीं है लेकिन आई के पहले स्पेस है तो वो स्पेस देगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम रहमान, समझे। और अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन चाहिए और दो लाइन में हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज क्यों करें, एक ही प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके दो लाइन में हम आउटपुट लें, देखिए तो हो सकता है। देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम अरमान, देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम रमन, इसमें क्या हुआ हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया। बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन पर आ गया। उसके बाद आई एम अरमान उसे मिला, ठीक, उसने आई एम अरमान प्रिंट को कर दिया। तो यही प्रिंट एफ फंक्शन का वर्क होता है, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे और कैसे प्रिंट होता है ये भी समझ गए होंगे। और एक अगर स्पेस भी अगर इसमें दी हुई है तो स्पेस भी प्रिंट होगी, चाहे अगर पहले दी है तो पहले स्पेस प्रिंट करेगा, बाद में दी है तो बाद में प्रिंट करेगा, सबसे लास्ट में दी है सबसे लास्ट में प्रिंट करेगा, मिड में दी है मिड में प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने जो चीज़ दी है वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ फंक्शन का यही फ़र्क होता है। और हमारा कोड भी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया था, चाहे कितने फंक्शन बने हो लेकिन प्रोग्राम में विदाउट मेन फंक्शन के नहीं चलेगा, इसमें एरर आ जाएगी। मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन इज़ मैंडेटरी, ठीक। एंड कोई भी कोड होता है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा एंड लाइन बाय लाइन वो नीचे आएगा, वो पूरा पड़ेगा और लाइन से नीचे आता जाएगा, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग क्विज पर चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपनी क्विज पर। आपको वीएस कोड पर क्लियर कर दिया है कि कैसे आपका आउटपुट आना चाहिए था, ठीक। इसके आज हमने जो पूरा लेक्चर में जो आज टॉपिक कवर किया है, इंट्रोडक्शन लिया है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग बताई है, सी को क्यों सीखेंगे ये बताया है, इसके प्रॉफिट को, तो आज उसके बाद मैंने उस कोड को भी रन करके बताया कि सिंटेक्स को क्लियर करने के लिए कि हमारा प्रिंट एफ का वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इसके बाद अब हमारा जो हमने लेक्चर कवर किया है उसके बाद मैंने एक छोटी सी क्विज दी है, तो इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपके सामने ये कोड लिखा हुआ है, आपको इसका आउटपुट देना है। तो आप लोग देखिए ये कोड जो दिख रहा है इसका आप लोग आउटपुट दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जो आप लोगों को बताना है, तो मैं कुछ वेट कर लेता हूं और उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोगों ने आंसर को पता लगा लिया होगा, तो अब मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहले तो आपको इसको कि कैसे सॉल्व होगा सॉल्व करके बताता हूं। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ, इसमें लिखा है हेलो देन स्पेस, हेलो देन स्पेस। तो इसमें देखिए अब पहले हमें ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें हेलो देन स्पेस कहाँ पे है, हेलो वो चलिए ऑप्शन हम बाद में चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट आएगा हेलो देन स्पेस, फिर यहाँ पे ये हमारा डबल कोट खत्म हो गया, मीन्स प्रिंट एफ फंक्शन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन पे तो मिलेगा इधर एवरी वन, तो प्रिंट हेलो स्पेस एवरी वन ये हमारा आउटपुट है। इसमें लाइन चेंज का हमने कमांड नहीं दिया तो इसमें लाइन चेंज नहीं होगी, मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, हेलो एवरी वन, ठीक। तो यही छोटी सी क्विज थी और चलिए ठीक है, बिल्कुल
तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच कि पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दिया जी, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।